हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे स्नेहक के रासायनिक गुण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्नेहक की परिभाषा के बारे में देखा था, स्नेहक को डिफाइन किया था या लुब्रिकेंट्स को डिफाइन किया था कि स्नेहक क्या होते हैं। बच्चों, स्नेहक जो है वो पदार्थ है जो दो विपरीत दिशा में गति करते हुए धातु के सतह के बीच में जब लगाया जाता है तो उन दोनों धातुओं की सतह के मध्य सीधे संपर्क को खत्म कर देती हैं। उन दोनों धातुओं के सतह के बीच में एक पतली फिल्म बना लेते हैं जिससे उनका सीधा संपर्क समाप्त हो जाता है। अब जो वो दोनों धातु की सतह जो गति कर रही हैं, गतिमान अवस्था में हैं, एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होंगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन नहीं होगा तो टेम्परेचर से वो धातु जो है नष्ट नहीं होगी। कई बार क्या होता है, बिना लुब्रिकेशन के जब कोई मशीन चलाई जाती है तो उसमें खड़खड़ाहट की आवाज आती है, मशीनें शोर करती हैं और कई बार डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी मशीनों की जो धातुओं की सतह है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए एक पदार्थ जो यूज किया जाता है उसे स्नेहक कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्नेहक के केमिकल प्रॉपर्टीज जो खास खास हैं वो कौन कौन सी हैं आपके कोर्स में। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कोक नंबर। देखिए बच्चों, कोक नंबर क्या होता है, सभी स्नेहक तेल में संयुक्त कार्बन की उच्च प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है, यानी जितने भी लुब्रिकेशन या लुब्रिकेटिंग ऑयल होते हैं उनमें जो कार्बन है वो कंबाइंड फॉर्म में होता है और उसकी परसेंटेज बहुत हाई होती है। और जब उसको दो मूवेबल सरफेस के बीच में हम रख देते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर उत्पन्न होता है और उस टेम्परेचर पर जो है लुब्रिकेंट्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन होने से उसमें जो कार्बन था वो फ्री हो जाता है, तो कार्बन के कण स्वतंत्र होकर बियरिंग व पिस्टन रिंग पर जमा हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं और ये कार्बन अवशेष घर्षण प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं। यानी अब ये जो कार्बन फ्री हुआ है उस कार्बन के पार्टिकल्स जो है मशीनों में बियरिंग में जमा हो जाते हैं जिससे कि मशीनों में जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है और फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे मेटलिक सर्फेसेस हैं वो नष्ट होने लग जाती हैं। तो यह कार्बन अवशेष यानी कार्बन रेजिड्यूज जो डिपॉजिट हुआ है उसे ही कोक नंबर कहते हैं। यानी क्या हुआ, क्या समझे आप, कि हमने एक लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया और उसको हमने किसी मशीन के मूवेबल सरफेस जो गति कर रही है सरफेसेस उसके बीच में लगाया ताकि फ्रिक्शन नहीं हो, घर्षण नहीं हो, शोर नहीं हो, आवाजें नहीं हो, और जब हम उसमें लगाते हैं तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में उपस्थित जो कार्बन होता है वो फ्री हो जाता है और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और उसी को हम कहते हैं कोक नंबर। अब देखो, एक अच्छे स्नेहक में कार्बन अवशेष कब होने चाहिए, यानी कार्बन रेजिड्यूज जो डिपॉजिट हुए हैं वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो डिपॉजिट हो गए तो क्या होगा, हमारी मशीनें खराब हो जाती हैं। इसलिए एक अच्छे स्नेहक में क्या होना चाहिए, कार्बन अवशेष कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम कार्बन अवशेष की जो मात्रा है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए, अ नोन वेट ऑफ लुब्रिकेंट इज बर्न्ट स्ट्रॉन्गली एंड द वेट ऑफ कार्बन रेजिड्यू लेफ्ट इज डिटरमाइंड एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन रेजिड्यू इज कैलकुलेटेड। यानी कि हमने एक लुब्रिकेटिंग की ज्ञात मात्रा को बहुत स्ट्रॉन्गली जलाया और जलाने पर उच्च तापक्रम उत्पन्न हुआ, उस तापक्रम पर कार्बन फ्री हुए, वो जमा हुए और उन जमा हुए कार्बन को कोक संख्या कहते हैं। तो उस कोक संख्या को हम कैसे निकालेंगे,
कि जितना भी शेष कार्बन अवशेष रहा उसका भार अपॉन हमने कितना लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया था इनिशियली उसका भार। अगर हम इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे तो हमें कोक नंबर ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है कोक नंबर लुब्रिकेंट की, इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है टोटल नंबर एसिड, टोटल एसिड नंबर जिसे टैन नंबर भी कहते हैं, TAN टोटल एसिड नंबर, और हम दूसरी भाषा में इसको अम्लीय मान भी कहते हैं, और वैसे अम्लीय मान को न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी कहा जाता है, उदासीनीकरण संख्या या उदासीनीकरण अंक कहते हैं। क्या ये क्या होता है, तो इसको समझने के लिए इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखें। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, यानी कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल एसिडिक होते हैं यानी अम्लीय होते हैं, जिसके कारण स्नेहन किए जाने वाले धातु सतहों का संक्षारण हो जाता है। यानी कोई मशीन हम काम में ले रहे हैं, वो मशीनों की जो सरफेसेस हैं वो मूवेबल हैं, गति कर रही हैं, और उसके बीच में हमने कोई लुब्रिकेंट ऑयल डाल दिया है, और वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो उसमें कुछ अम्ल की मात्रा है, तो अम्लीय होने से क्या होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है अम्ल फ्री हो जाता है, और अम्ल होने के कारण वो धातु की सतह से क्रिया कर लेता है और धीरे धीरे धातु की सतह पर जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका संक्षारण हो जाता है। तो इस प्रकार स्नेहक की अम्लता उसके उदासीनीकरण अंक यानी न्यूट्रलाइजेशन नंबर से ज्ञात की जाती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है, KOH की मिलीग्राम में व्यक्त की गई वो संख्या जो एक ग्राम स्नेहक में विद्यमान असंयुक्त अम्ल यानी कि अनबाउंडेड एसिड को उदासीन करे। फिर से देखिए न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है, KOH की मिलीग्राम में व्यक्त की गई वो संख्या जो एक ग्राम स्नेहक में मौजूद असंयुक्त अम्ल को न्यूट्रलाइज कर दे, उदासीन कर दे। तो इस प्रकार फॉर्मूला होता है उदासीनीकरण संख्या बराबर नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ एन बाई टेन KOH अपॉन वेट ऑफ ऑयल टेकन होल इंटू 5.6, नंबर ऑफ ml ऑफ n बाई टेन KOH अपॉन वेट ऑफ ऑयल टेकन इंटू 5.6। इस प्रकार से हम न्यूट्रलाइजेशन नंबर या उदासीनीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं, और यही हमारा क्या हुआ टोटल एसिड नंबर। टोटल एसिड नंबर को अम्लीय मान कहते हैं, और अम्लीय मान का दूसरा नाम क्या है न्यूट्रलाइजेशन नंबर, उदासीनीकरण अंक, और उदासीनीकरण अंक का फॉर्मूला नंबर ऑफ ml ऑफ n by 10 KOH taken upon weight of oil taken into 5.6। इस प्रकार किसी स्नेहक तेल का अम्लीय मान KOH की मिलीग्राम में वो मात्रा है जो एक ग्राम स्नेहक तेल में उपस्थित स्वतंत्र अम्लों को उदासीन करने के काम में आता है। अब तीसरी रासायनिक जो विशेषता है या रासायनिक गुण है लुब्रिकेटिंग ऑयल का वो है आपके कोर्स में सेपोनिफिकेशन वैल्यू या साबुनीकरण मान। साबुनीकरण मान किसे कहते हैं, वसीय तेलों का क्षार के साथ पूर्ण अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। यानी जितने भी फैटी ऑयल्स हैं अगर हम उनकी क्रिया KOH या कोई भी क्षार होता है या एल्कली होता है उससे कराते हैं तो ग्लिसरॉल मिलता है और सोप मिलता है। देखिए ये एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसकी हमने क्षार से यानी KOH से क्रिया कराई है, ग्लिसरॉल मिला है और सोप बना है, तो सोप बनता है इसलिए हम इसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो कोई भी ऑयल है और उसको हमने साबुन में उसको अपघटित कर दिया है तो वो कहलाता है साबुनीकरण मान। यानी KOH की मिलीग्राम में वो मात्रा जो एक ग्राम तेल को पूर्णतया साबुनीकृत कर ले उसको हम क्या कहते हैं साबुनीकरण संख्या, और इसका फॉर्मूला होता है साबुनीकरण संख्या बराबर KOH
बराबर KOH का है ना, तो साबुनीकरण संख्या जो हमने KOH की ली है वो क्या है, सांद्रता अपॉन तेल का भार। तो जितना भी KOH लिया है का सांद्रता उसकी कितनी है और अपॉन हमने कितना वेट लिया है उसका रेशियो जो होता है वो साबुनीकरण संख्या कहलाती है या KOH का मान कहलाता है कि कितना KOH हमें लेना है या कितनी KOH की मात्रा जो हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि देखिए डेफिनेशन भी वही है, KOH की वो मात्रा, तो हमने क्या निकाला, KOH की मात्रा निकाली। वो कैसे निकलेगी, कितनी सांद्रता हमने ली है ग्राम प्रति लीटर अपॉन तेल का भार, ये है साबुनीकरण संख्या, साबुनीकरण संख्या का फॉर्मूला। KOH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन वेट ऑफ ऑयल टेकन, ये होता है सेपोनिफिकेशन वैल्यू। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।